गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो कि यूट्यूब क्रिएटर है। और इस समय क्या चल रहा है, 21 दिन के लिए इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है। सो इस समय इंटरनेट का स्पीड जो कि है बहुत ही कम है और बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। सो इस समय आप क्या कर रहे हैं, जब भी आप इंटरनेट यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उस समय क्या होता है कि वीडियो का अपलोड करने का स्पीड जो कि है बहुत ही कम हो जा रहा है। इसमें आप सभी लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है और काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। सो आज मैं आपको ऐसा 3 टिप्स दूंगा जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मान लीजिए आप आज वीडियो शूट किया और वीडियो को अपलोड करने का टाइम आपको कल है। सो आप क्या करेंगे, तो कल को आप वीडियो अपलोड करेंगे इस समय, और जब अपलोड करेंगे वीडियो को, उस समय इंटरनेट का स्पीड बहुत ही कम होगा। सो इसमें आपको बहुत ही परेशानी होती है। सो मेरा मानो तो आप क्या करेंगे, बहुत ही रात में एकदम रात के 11-12 बजे उस टाइम पे आप क्या करिए, सीधा वीडियो को अपलोड कीजिए। उस समय क्या होता है, इंटरनेट का स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है। सो इसमें आपको वीडियो अपलोड करने का टाइम जो कि है बहुत ही कम लगता है। अगर आप रात को नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करिए, सीधा एकदम सुबह में 5 या 4 बजे उस टाइम पर वीडियो अपलोड करके रख दीजिए। उसके बाद जब टाइम होगा उस समय आप क्या करिए, पब्लिक कर दीजिए। सो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। सो गाइज, अब बात करते हैं सेकेंड टिप्स की ओर। मान लीजिए आपके मोबाइल पे नेटवर्क जो कि बहुत ही कम आ रहा है और इंटरनेट का स्पीड बहुत ही स्लो है। सो उस समय क्या करिए, आप यूट्यूब पे एकदम वीडियो को अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के समय आपके मोबाइल पे जिस सिम लगा हुआ है, सो उस सिम पे, उस मोबाइल पे किसी और ऑपरेटर के सिम के कॉल कीजिए। किसी घर में तो आपका कोई भी एक सिम कार्ड होगा, एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया। अगर मान लीजिए आपके मोबाइल पे वोडाफोन का सिम लगा हुआ है और आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सो वोडाफोन के बगैर किसी और सिम कार्ड से आप आपके मोबाइल पे फ़ोन कीजिए और इंटरनेट को ऑन कर दीजिए। सो देखिए आपका जो इंटरनेट का स्पीड है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा और बहुत ही कम समय में आपका जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा। सो ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो फिर ज़रूर वीडियो के कमेंट करके बताइए। सो ज़रूर इसको ट्राई करके देखिए। गाइस, अब आते हैं तीसरा वाला टिप्स। तो थर्ड टिप्स में हम बताएंगे कि आप क्या करते हैं, 1080p पे आप वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं और उसका क्वालिटी है जो कि बहुत ही हाई रहता है। सो इस समय क्या चल रहा है, इंटरनेट का जो बहुत ही क्राइसिस चल रहा है, इस समय सारा जो यूज़र्स है, जो लोग वीडियो देखता है, वो क्या करता है, इस समय इंटरनेट को की वजह से वो लोग बहुत ही कम क्वालिटी में वीडियो देखता है। मान लीजिए 240p या 360, 480। मेरा मानिए इस समय 21 दिन के लिए आप वीडियो को 1080p पे मत करिए, 480p पे आप कन्वर्ट करिए। 480p पे जब भी आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि क्वालिटी भी थोड़ा कम आए, पर इसका जो वीडियो का साइज़ है वो थोड़ा घट जाएगा। इसमें आपको अपलोड करने के लिए बहुत ही हेल्प होगा। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो वैसे भी वो लोग अभी थोड़ा लो क्वालिटी में वीडियो देख रहा है। सो गाइस, अभी तक के लिए आप क्या करिए, वीडियो का क्वालिटी थोड़ा कम कर दीजिए और उसमें आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। सो गाइस, यही था 3 टिप्स। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प होता है तो फिर वीडियो को ज़रूर एक लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो का आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।